हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने दोपहर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये नैनू है, ये उबल जाएगा। इसके बाद हम इसको छान कर एक डिब्बे में रखेंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि ये उफनने में आता है, तो इसे डर भी लगता है उफनने के लिए। तो इसको हम बराबर चलाएंगे और इसको चलाने के बाद ये हमारा उबल चुका है तो अच्छे से पक गया है। तो इसे हम एक डिब्बे में भर कर रख देंगे। यह डिब्बा हमारा भरने वाला है क्योंकि 5-6 बार का है। और घी को सारा हमने छान के एक डिब्बे में बंद कर दिया है और ठंडा हो गया था। हमने इसको गरम करके थोड़ा देर रख दिया था, जैसे ठंडा हो जाए तो हमारा घी ठंडा हो गया था। इसके बाद ही हमने डिब्बे में रखा है क्योंकि गरम डिब्बा घी रखने से घी ख़राब हो जाता है, तो इसे ठंडा करके ही रखना चाहिए। और थोड़ी देर हमने आराम किया और शाम के हो गए 4 बजने वाले। इसके बाद हम कर रहे हैं अपनी बेडशीट ठीक। तो शाम को जो सबका होता है झाड़ू, तो ये सबसे पहले हम अपने बेड की सीट ठीक कर देते हैं क्योंकि ये सारी बिखर चुकी थी। और आप तो जानते ही हैं कि घर में बच्चे होते हैं तो ज़्यादा ही उदम करते हैं और सबसे ज़्यादा उदम बिस्तरों पे करते हैं। तो उठा और दोनों टाइम बेड शीट को अच्छे से फटकार कर बिछा देनी चाहिए क्योंकि कुछ भी हो, चिंटी वगैरह भी हो जाती हैं कभी कभी। अपन बच्चे कुछ भी खा के फैला देते हैं तो कुछ भी छोटी मोटी चिंटी मिंटी हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इसको अच्छे से दोनों टाइम फटकार कर बिछाना चाहिए जिससे कोई बच्चे को दिक्कत ना आए, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा भी ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए तो ये बार बार हमारी बेटी आ रही है और ये इसे बहुत शौक है कैमरे में आकर डांस करने का। तो ये इसको हम भगा देते हैं कि कैमरे से दूर रहो क्योंकि मोबाइल है, कोई ऐसा स्टैंड तो है नहीं कि उस पर रख कर रख दो तो अच्छे से इजी से वीडियो बन जाए। तो थोड़ी सी परेशानी होती है फिर भी कर लेते हैं। और ऐसे हमने अपने सारे कमरे में झाड़ू लगा ली है और इसके बाद और किसी पे क्या निर्भर होना है, कुछ तो करना ही है, चाहे आगे कर लो चाहे पीछे, लेकिन काम तो करना ही है और अपना काम है। किसी पे क्या निर्भर रहना, साफ सफाई तो हर किसी के घर में होती है और सब लोग करवाते भी हैं। और ऐसा होता है कि एक दूसरे करवाने से थोड़ी हेल्प मिल जाती है और सब लोग जिसको जब मन होता है सो करवा लेते, नहीं होता तो नहीं करवाते हैं। लेकिन हम भी कोई फोनिंग करती कि हाँ क्यों नहीं करवाते, ऐसे वैसे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। और ऐसे हमने सारे कमरों में झाड़ू लगा ली है। उसके बाद हम लगाएंगे बरंडा में क्योंकि सारा दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा रहे हैं। और बच्चे इतना उदम करते हैं कि क्या बता, सारे इतना बिखेर दे से कबाड़ खाना बना देते हैं सारे घर को। तो ऐसे ही हम बरंडा में झाड़ू लगा देते हैं और झाड़ू लगाने से वीडियो इतनी लंबी बन जाती है कि पूरा नज़ारा नहीं दिखाते हैं। और तो हमारे बरंडे के झाड़ू के बाद बाकी के काम करेंगे। और बाकी ये हमारी बेटी पानी के लिए इतना शौक है इसे पानी में खेलने का कि वो सारे दिन परेशान रहती है। अगर पानी भरा दिखा तो ये फैला देती है या अपने नहा लेती है। तो हमारी ननद बना रही हैं चाय क्योंकि माँ जी को पीना था चाय, मुझे टाइम नहीं था तो मैं हाथ मुँह धुल कर थोड़े बाल ओछने लगी क्योंकि सुबह से हाथ मुँह नहीं धोए थे और शाम को हाथ मुँह धुलो तो अच्छा फ्रेश सा फील होता है। और उन्होंने तब तक उन्हें कहा कि हाँ चाय बना देते हैं, तो वो चाय नहीं बना चूल्हे पर तो कितनी परेशानी होती है, चूल्हे से आग बुझ जाती है और हवा भी चलती है तो थोड़ी परेशानी होती है, फिर भी कर लेते हैं। तो हमारी चाय भी बन चुकी है तो वो भी छान के अभी दे देती हैं सबके लिए चाय। तो यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं और ये अच्छा खासा मेहनत है तो बच्चे इजीली खेल लेते हैं, कोई पर परेशानी नहीं आती है। तो चाय के बाद बनाकर हम गए थे बगीचा, तो बगीचा में लगा थे कद्दू, तो उसको तोड़कर हम लाए थे और खूब ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था और अच्छा। तो कद्दू को तो हमने तो पहले ही काट लिया था और मसाले ली भी, मिर्च इसमें प्याज लहसुन और प्याज के थोड़े पत्ते भी हैं, तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे
क्योंकि हम कद्दू की सब्ज़ी बना रहे हैं और प्याज लहसुन को अच्छे से भून के हमने इसमें कद्दू डाल दिया है और अच्छे तेल में थोड़ा हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम हल्दी डालेंगे। हमने इस मसाले कोई कोई मसाला शिक्कर बनाता, हम ऐसे ही सिंपल ही बनाते हैं तो इसे अच्छा लगता है, ज़्यादा भी तीखा हमें अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हमने हल्दी डाल के स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और इसे हम एक दो बार ढक ढक कर पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं ढकेंगे क्योंकि हरा कद्दू है तो पानी भी छोड़ता है तो इससे पानी से अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ा पानी छोड़े इससे हमने इसे फिर नहीं ढका क्योंकि ज़्यादा गीला हो जाता फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसके बाद हमने अमचूर पाउडर डाल दिया था, मिर्ची पहले डाल दी थी और अमचूर पाउडर भी डाल दिया, इसको मिलाएंगे और गरम मसाला भी डाल दिया बाद में। लगभग हमारा कद्दू बन चुका है, थोड़ी सी टाइम और है। तो उसके बाद रोटियां बनानी नहीं है, सुबह की रखी हुई हैं हम, और सिर्फ सब्जी ही बनानी थी। रात काफ़ी हो गई है तो रात के 6-7 बज रहे हैं, तो हमारा कद्दू लगभग बन ही चुका है। तो वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने का, और कमेंट में बताएंगे कैसा वीडियो बनाते हैं, अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं तो ज़रूर बताएँ, अच्छा हो बुरा तो ज़रूर बताएं कि क्या कमी हमारे वीडियो में। अगर कुछ भी कमी दिखती है तो आप बताएं जिससे उस कमी को सुधार सके। तो खाना रेडी है, आप लोग भी बताइए कद्दू की सब्ज़ी कैसी बनी। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।